गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स आई टी पी एम टी अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट माई नेम इज़ रोहित। टूडे इज माई चैप्टर इज एलिप्स ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स एंड टॉपिक इज टेंजेंट इक्वेशन ऑफ एलिप्स। देखिए इस वीडियो लेक्चर्स में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंजेंट इक्वेशन ऑफ एलिप्स एट द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन एंड देन पैरामेट्रिक पॉइंट पर एंड देन एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देखिए ये जो टेंजेंट इक्वेशन होती है सर्कल में भी आपने पढ़ा है, इसके बाद पैराबोला में भी पढ़ा है और देन एलिप्स में, तो सेम वही प्रोसेस रहता है। देखिए सबसे पहले यहां पर लेट करते हैं कि जो एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ए इज ग्रेटर देन बी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट पी है, एक्स वन वाई वन है जो कि लाइस ऑन द एलिप्स होगा, यानी एलिप्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यानी हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले जो हम एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहां पर पी पॉइंट है एक्स वन एंड वाई वन, तो ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पॉइंट एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब है ये पॉइंट ऑन साइड होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए, ऑन साइड होना चाहिए। तो बेटा यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है, ये कौन है, टेंजेंट है, ठीक है, ऑफ द एलिप्स, ऑफ द एलिप्स। तो यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पी जो पी पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बेटा, पी पॉइंट हमने एलिप्स पे सेटिस्फाई करा दिया, तो ये एक रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिप्स की इक्वेशन से टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करके हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करके हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ डी वाई डी एक्स आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन पर स्लोप निकाल लेते हैं, तो एक्स वन वाई वन पर स्लोप होगी माइनस का बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन, तो ये स्लोप निकल आई। ठीक है, दिस इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यानी बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब हम बेटा हमें स्लोप पता है और पॉइंट पी भी पता है, पॉइंट पी भी पता है और इसकी स्लोप भी पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ वन पॉइंट पासिस लगा देते हैं, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसे बोला जाएगा वन पॉइंट पासिस थ्रू। तो देखिए ये जो लाइन ए बी है इसे टेंजेंट बोलेंगे, पी पॉइंट पता है और उसकी स्लोप पता है, तो हम वन पॉइंट पासिस थ्रू इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए वाई माइनस वाई वन एम की वैल्यू हो गई माइनस बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। अब बेटा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y1 को इधर ले लेंगे तो बनेगा y बाई वन, ठीक है, और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ y1 वन स्क्वायर होगा अपॉन बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर माइनस का एक्स एक्स वन होगा अपॉन ए स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
क्लियर। अब टर्म को ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, मतलब ये एक्स एक्स वन इधर ले लेते हैं, तो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है, एट द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन है ऑफ एलिप्स की। अब स्टूडेंट जानते हैं कि यहाँ पर ये इक्वेशन नहीं लिखी होती है। अब बेटा यहाँ पर देखिए एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन के इक्वल है। देखिए ना, एक्स वन स्क्वायर ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो हम इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर वन के इक्वल। तो ये वैल्यू जो है बेटा वन के इक्वल हो जाएगी, देन टेंजेंट फिर चेंज हो जाएगी। तो टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगा एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो बेटा ये दो टेंजेंट आ गई। ठीक है, बट दो क्यों है, दोनों एक ही लिखी हुई है, लेकिन इन दोनों का यूज मैं समझा देता हूं बेटा। अगर ये पॉइंट पी ऑन साइड है, ठीक है, तभी ये वाली टेंजेंट वैलिड है, नीचे वाली। याली टेंजेंट कब वैलिड है बेटा, याली जो टेंजेंट कब वैलिड है आप जानते हैं, नीचे वाली टेंजेंट जब ही यूज कर सकते हैं जब पॉइंट कहां पर है, ऑन साइड। लेकिन ये वाली जो टेंजेंट है ऊपर वाली, अगर सपोज दैट ये पी पॉइंट यहां पर होता, इस जगह पर, अगर अज्यूम करिए कि पी पॉइंट एलिप्स पर नहीं होता, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट नहीं होता, यहां पर पी पॉइंट होता, तो ये वाला जो पॉइंट अगर पी होता तो केवल टेंजेंट को सेटिस्फाई करता, लेकिन एलिप्स को तो सेटिस्फाई नहीं करता ना। तब तो हम ये वाली कंडीशन पे यहां वन नहीं लिख सकते। तो कभी कभी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं बच्चों कि अगर पॉइंट पी ऑन साइड है, अगर पी पॉइंट जो है ऑन साइड है, तभी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ये वाला ही फॉर्मूला लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है आउटसाइड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें सिर्फ टेंजेंट पूछी जाती है और पॉइंट यहाँ दे दिया जाता है, तो अगर आउटसाइड दिया जाता है तो हम उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम। जब मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो क्वेश्चन में उनमें से कोई एक पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब पॉइंट रख के देखते हैं, अगर वो आउटसाइड है तो हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें से एक टेंजेंट का पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बच्चे सोचते हैं सेम फॉर्मूले से हो जाएगा इससे, तो पहले ये वाला फॉर्मूला जब ही अप्लाई करेंगे जब पॉइंट क्या होगा, ऑन साइड। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट का फॉर्मूला आ गया एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अदरवाइज हम ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब पॉइंट आउटसाइड हो, यानी पॉइंट केवल टेंजेंट को सेटिस्फाई करे। ठीक है, याला हम ऑन साइड और आउटसाइड दोनों के लिए लगा सकते हैं, ऑन साइड और आउटसाइड दोनों केस के लिए लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। पॉइंट ऑन साइड हो आउटसाइड हो, लेकिन एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। ठीक है, और इस वाले केस पर जब पॉइंट ऑन साइड होगा। ठीक है, ऑन साइड केस के लिए। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस पे बाहर होता है तो हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ही की इक्वेशन पता चलेगी। ठीक है, यहां पर पॉइंट होगा तो टेंजेंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है यहां पॉइंट पी। अगर पी पॉइंट यहां शिफ्ट कर दिया जाए तो देखिए टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन एलिप्स को नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू फिर वन नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, देखिए अब यहां पर आप समझिएगा बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सपोज दैट यहां पर यह लिखा हुआ है टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन, तो दिस इज अ फॉर्मूला, तो यानी यहां पर एलिप्स की इक्वेशन है। अगर एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और इफ पी एक्स वन वाई वन इज ऑन साइड ठीक है ऑफ द एलिप्स
ऑफ द एलिप्स, देन टेंजेंट जो है वो लिखी जाएगी एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। और बेटा अगर इफ शिफ्टिंग फॉर्म ऑफ एलिप्स है, ठीक है, तो देखिए सपोज दैट आपको एलिप्स ऐसे दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये देखिए एलिप्स है, ये लेट किया हुआ है हमने कि ये लेट किया हुआ है कि ये एलिप्स की इक्वेशन है। तो टेंजेंट की इक्वेशन आप में शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, क्या क्या चेंज करेंगे डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन में चेंज करते हैं, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में चेंज करते हैं, पहले भी बताया हुआ है 2x को x प्लस एक्स वन, 2y को y प्लस वाई वन और c को c लिखते हैं। ये डायरेक्टली शॉर्ट टर्म है बेटा टेंजेंट लिखने का। तो इसकी टेंजेंट क्या लिखी जाएगी, a x स्क्वायर क्या होगा x x1 वन प्लस बी वाई स्क्वायर क्या होगा y y1 वन प्लस 2x को क्या लिखेंगे x प्लस एक्स वन, तो यहाँ आ जाएगा g x प्लस एक्स वन, ठीक है, प्लस यहाँ पर y f हो गया, 2y को लिखेंगे y प्लस वाई वन प्लस सी, ठीक है। तो देखिए ये टेंजेंट लिखी जाएगी जब शिफ्टिंग फॉर्म पे एलिप्स गिवेन होगा, ठीक है, इतना ऑन लिख लीजिए। और देखिए अगर हमारे पास कोई एलिप्स इस फॉर्म पे भी दे रखा है तो हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं टेंजेंट की इक्वेशन को। देखिए इफ एलिप्स इस फॉर्म में दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, बड़ा अगर ऐसा भी एलिप्स कंडीशन दे रखी है तो यहां पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंट, ये एलिप्स हो गया, ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन बी वाई स्क्वायर को वाई वाई वन इक्वल टू वन, वेयर पी जो है एक्स वन वाई वन जो है वो ऑन साइड है, ठीक है, ऑन साइड ऑफ द एलिप्स, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। आप ये नोट कर लेते जाइएगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं टेंजेंट में। सपोज दैट देखिए हमें एग्जांपल है बेटा कि एलिप्स दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पर बेटा कोई पॉइंट दे रखा है पी एक्स वन वाई वन और लाइस ऑन द एलिप्स है ये, ठीक है, एलिप्स, देन टेंजेंट क्या होगी, देन टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे आप 2 एक्स एक्स वन प्लस 3 वाई वाई वन इक्वल टू 1, क्लियर हुआ। बट अगर एलिप्स ऐसे दे रखा है, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है वाई स्क्वायर अपॉन 9 है इक्वल टू 1, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होगी एक्स एक्स वन अपॉन 4 वाई वाई वन अपॉन 9 इक्वल टू 1, और एक्स वन वाई वन क्या है ऑन साइड है, ठीक है, ऑन साइड ऑन द ऑफ द एलिप्स, यानी जो पी पॉइंट होता है वो ऑन साइड होना चाहिए, ठीक है। अब जरा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बेटा कि हमें एलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है, और एक पॉइंट दिया गया है 3, 4, ठीक है। तो सबसे पहले टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम कंडीशन देखेंगे कि ये पॉइंट है कहां पर। तो सबसे पहले देखेंगे
कि इन साइड है कि ऑन साइड है, तो पॉइंट पुट करेंगे, 3 3 9/4, फिर यहाँ हो जाएगा 16/9 -1, एलसीएम में क्या आएगा बेटा 36, तो यहाँ आ जाएगा 81, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 144 -36, तो देखिए एक वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है ना, तो इसका मतलब ये पॉइंट पी जो है वो आउटसाइड है। अब आउटसाइड है तो हम वहां से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, 2 मैक्सिमम, क्योंकि पॉइंट आउटसाइड हो गया। तो उसमें से अगर एक टेंजेंट पूछी जाए, देखिए अब ये इलिप्स जो है ऐसे बनेगा, और यहां पर कोई पॉइंट है जिससे हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं इस टाइप से, पी पॉइंट यहां ले लिया गया 3, 4, तो यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, लेकिन उसमें से वन ऑफ देम, ठीक है, कितनी टेंजेंट्स हो रही, 2, एक ही है और एक ही है, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, लेकिन वन टेंजेंट क्या होगी उसमें से, 1 टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ 1 टेंजेंट। तो बेटा इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या लगाना पड़ेगा, x x1 upon a square plus y y1 upon b square equal to x1 square upon a square plus y1 square upon b square। अब बेटा ये वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ये वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि पॉइंट जो है P वो है आउटसाइड है, एलिप्स के आउटसाइड है, तो ये 1 जब ही लिखा जा सकता है जब ये P पॉइंट कहां पर हो, ऑन साइड हो, तो इसमें याला फॉर्मूला लगेगा। तो बेटा यहाँ हो जाएगा 3x upon a square यानी 4 प्लस y y1 into 4 upon 9 equal to 9 upon 4 plus 16 upon 9, कैलकुलेट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब कंडीशन समझ लीजिएगा, पॉइंट P ऑन साइड होता है तभी हम 1 के इक्वल लगते हैं, यानी फॉर्मूला होता है x x1 plus upon a square y y1 upon b square equal to 1, जब ये पॉइंट P कहाँ पर होता है, ऑन द एलिप्स होता है, ठीक है। अब बेटा आते हैं हम लोग पैरामैट्रिक पे, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, केस 2, ठीक है, केस 2, देखिए टेंजेंट एट पैरामैट्रिक पॉइंट, देखिए बेटा यहां पर पैरामैट्रिक पॉइंट पी अल्फा गिवेन है, अगर ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, ठीक है, लाइज ऑन द एलिप्स, ठीक है, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। तो टेंजेंट की क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट की क्वेश्चन पी पॉइंट पे फाइंड करनी है, पी अल्फा पर, यानी ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा पर। तो देखिए इस पॉइंट को ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, तो ये पॉइंट ऑन साइड है बेटा, यानी ये पॉइंट एलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए ऑन साइड का ही केस लगेगा, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जाएगी x x1 upon a square y y1 upon b square equal to 1, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, तो बेटा यहाँ जाएगा ax cos alpha upon a square y into b sin alpha upon b square equal to 1, b से b कट गया, a से a कट गया, तो टेंजेंट होगी bx cos alpha plus ay sin alpha equal to ab, तो दिस इज अ टेंजेंट, ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ एलिप्स। अब बेटा देखिए ये वाली जो टेंजेंट है ये कब यूज की जाती है एलिप्स में, जब हमें पॉइंट ना गिवेन हो, अगर पॉइंट गिवेन है तो हम उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर पॉइंट नहीं गिवेन है, मिसिंग हो रहा है, तो हम ये वाली टेंजेंट यूज करेंगे। पैरामेट्रिक पॉइंट हम टेंजेंट जब यूज करते हैं जब हमें एलिप्स गिवेन हो बट पॉइंट ना गिवेन हो, ठीक है,
तब हम ये वाली टेंजेंट यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? और जब हम इस वाली कंडीशन की टेंजेंट यूज करते हैं तो हमेशा हमें एक और रिजल्ट लगाना पड़ता है यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर ये पॉइंट एज्यूम करे हैं तो बाद में इन्हें एलिमिनेट भी करने पड़ते हैं और इसके लिए सफिशियंट कंडीशन होती है। इन्हें एलिमिनेट करने के लिए हमें कंडीशन लगानी होगी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन। हम कंडीशन फॉर टेंजेंसी में जब क्वेश्चंस बताएंगे तो इसके भी क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा कि अगर हमें एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम पर टेंजेंट ड्रॉ करनी हो, केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड देखिए, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम, देखिए सबसे पहले एलिप्स में एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होते हैं, तो आप लैटिस रेक्टम यहां ड्रॉ कर लीजिए। ये एस है, ए कॉमा जीरो, तो ये पॉइंट होगा ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये पॉइंट होगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, पहला पॉइंट होगा माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए और ये वाला पॉइंट होगा माइनस ए माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम है बेटा, कितने पॉइंट्स हैं, वन टू थ्री फोर। अब इसमें से किसी एक पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी हो तो ये पॉइंट एलिप्स पर ही है। ठीक है, तो इस पे टेंजेंट की इक्वेशन एलिप्स दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो टेंजेंट एट पी ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बेटा पहले फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट का, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्स वन और वाई वन पॉइंट पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू वाई इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू वन। ठीक है, तो अब टेंजेंट की क्वेश्चन आ गई है ई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। ठीक है, तो दिस इज अ टेंजेंट इक्वेशन ऑन पैरामेट्रिक पॉइंट, सॉरी एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे कंडीशन फॉर टेंजेंसी के केस और एनी टेंजेंट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म से निकालते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कंडीशन